ऑरेंज रॉक और टीम ब्लाइंड ले चुकी है क्वालिफाइड ब्लाइंड खिलाड़ी देखने को मिलेंगे आपको, ऑरेंज रॉक के बाकी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो बिलीव इन ब्लाइंड गाइस, कल के दिन था स्पाई ओपी, आज के दिन कौन होने वाला है टेल मी इन द चैट सेक्शन, ब्लाइंड वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक इन द ड्रॉप ऑफ टीम ब्लाइंड, क्योंकि ब्लाइंड कॉल्स द किंग ऑफ पोचिंग की। तो लेट्स सी ब्लाइंड के प्लेयर्स के हाथों में यूजेड आई और ग्रेनेड दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या स्पाई ओपी इस फाइट को निकाल पाएंगे? ब्लाइंड फैंस क्या लगता है आपको, क्या ये फाइट ब्लाइंड या ऑरेंज रॉक फैंस, क्योंकि ऑरेंज रॉक का कल अगर आपको एक मैच याद हो स्पेशली वैक्सी ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया इन रिसेंटली डेज में, और ब्लाइंड और ऑरेंज रॉक ने किसी ने भी अपने एक भी प्लेयर को खोया नहीं है। और अब पोचिंकी में अगर आप सोच रहे हो कि अब पोचिंकी एक अच्छा कंपाउंड मैं मानता हूँ, चार आठ प्लेयर्स की लूट के लिए अगर आप स्प्लिटेड एरियाज को लूट रहे हो, लेकिन स्पाई ओपी जितना ओपन जा रहे हैं आदित्य एक अच्छी डीपीपी के साथ है, और यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करेगी आदित्य के ऊपर स्लैमिना तो दिखेगा स्पाई ओपी के पास देखने को मिलेगी, यूजेड आए आदित्य को टेक डाउन किया, एक और प्लेयर आएंगे क्या यहाँ पे वैक्सी को टेक डाउन कर पाएंगे, अगर वैक्सी को टेक डाउन किया तो मैच ब्लाइंड का हो सकता है। जी हाँ, ब्लाइंड ने दो नॉक अपने नाम कर दिए, डेस्ट्रो का क्लोजिंग आता दिखेगा जिन्होंने यहाँ पे ब्लाइंड के विलियम जेड को टेक डाउन किया, खलनायक ऑलरेडी धराशायी है, आदि वहां पे अभी भी टीपीपी ले हुए बैठे हैं, जस्ट कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं देना चाहते क्योंकि उनको पता है वो फाइट को इजिली निकाल सकते हैं। ब्लाइंड के स्पाई ओपी के पास देखने को मिलेगी यूजेड आई और बाहर किया जाएगा, एक बार फिर से टीम ब्लाइंड ने ये चीज प्रूफ कर दी क्योंकि जेपी बिलीव इन ब्लाइंड एंड द किंग ऑफ पोचेंकी ब्लाइंड।